बहुत बढ़िया आ रहा। नमस्कार, ये कोई सिंधु बॉर्डर नहीं है, लेकिन सिंधु बॉर्डर से कम भी नहीं है। आज लगातार हम लोग 560 दिन हो गए आंदोलन करते हुए। आप देख रहे होंगे किन परिस्थितियों में, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि किन परिस्थितियों में हमारे साथी इको गार्डन में अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये प्रकरण है 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण, हम लोग उसके अभ्यर्थी हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये माना है कि 6800 सीटों का घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, आरक्षण का घोटाला हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल के आरक्षण विसंगति रख दिया था। बड़ा दुख होता है कि आज हमारे समाज के नेता बड़े बड़े आलीशान भवनों में सो रहे हैं, सुख सुविधाओं के साथ सो रहे हैं, और वो हमारी वोट की वजह से ही सो पा रहे हैं। चूँकि ठंड ज़्यादा है, खुले में हम लोग आग अलाव जला के, ये प्रशासन ने नहीं किया है, हम लोगों ने स्वयं अपने लिए ये व्यवस्था किया है। यहाँ पीपल है, पीपल के पेड़ से लकड़ियाँ चुन करके अपने लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि ये संघर्ष किन्हीं विपक्षियों पार्टियों का होगा, किन्हीं उसका होगा, तो मैं उन सभी नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक रात आप हमारी जगह गुजार दीजिए, आपको विपक्ष पक्ष सब याद और भूल हो जाएगी। इस बात को समझिए। यहाँ पे हमारे 5 साथी दिखाइए कि भूख हड़ताल पे है, ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, हम लोग इनकी सुरक्षा में, क्योंकि ये रोड है, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, अनियंत्रित गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई पुलिस प्रशासन, कोई सिपाही इनकी सुरक्षा में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इनकी सुरक्षा में बैठे हैं, इनकी देख रेख में बैठे हैं, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे लिए अन्न जल त्याग दिए हैं, तो हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम निवेदन करेंगे अगर ये वीडियो शासन प्रशासन तक जाए तो शासन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कराए, इस बात की भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, चूँकि ये धरना स्थल है, धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं है। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी और तमाम अपने वर्ग के नेताओं से ये आशा और उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोगों की पीड़ा थोड़ी भी दिखे, आप लोगों ने देखा होगा कल समर समाज के एक विधायक ने, पता नहीं योगी जी को पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था, फोटो दिखी थी बस हम लोगों को, लेकिन ट्विटर पे ट्रेंड करा के कोई संघर्ष नहीं। उन लोगों की मांग मान ली गई, 3 साल उम्र सीमा बढ़ा दी। हमारी उनसे कोई वैमनस्यता नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों से है, हमारी लड़ाई शासन सत्ता से है, कि हमें हमारा हक अधिकार, लड़ाई नहीं निवेदन है कि हमें हमारा न्याय दे दे, हमारा अधिकार दे दे। हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े दलित हैं, हमें सदियों से दबाया गया, लेकिन बाबा साहब ने जब से आरक्षण दिया, बाबा साहब ने जब से संविधान बनाया, हम लोग पढ़ लिख लिए, अपना हक अधिकार मांगने लगे, छीनने लगे। मेरी गुजारिश है कि हम भी वोट हैं, हम भी पिछड़े दलित हैं, हमारी भी मांग मान ली जाए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है, मुझे आशा और विश्वास है, जिस दिन आप मिल जाएंगे उस दिन हम लोगों की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये अधिकारी, ये मंत्री सब गुमराह कर रहे हैं आपको, किसी की हिम्मत हैसियत किसी मंत्री की नहीं है कि आप तक हम लोगों की पीड़ा पहुंचा दे। हम लोग नहीं इतने सक्षम हैं, नहीं मंत्री हैं, नहीं विधायक हैं कि आप तक पहुंच जाएं आसानी से। हम लोगों ने अपनी आवाज़ सड़क पे बहुत उठाई, लगातार उठा ही रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक हम लोगों की पीड़ा पहुंचे तो हम लोगों को न्याय दें। आप देख रहे होंगे किस तरीके से रोड पे हम लोग, ये बैरिगेटिंग ही सहारा है रोड पे, ये कानपुर रोड है, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर यहाँ शासन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था भी कर दे तो हम लोगों के लिए थोड़ी रियायत हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।